उत्तराखंड में बीजेपी को दोहरा बहुमत मिलने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपनी पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। जहां जहां बीजेपी के विधायकों की जीत हुई है, वहां पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रानीखेत विधानसभा की जनता ने भी इस बार बीजेपी को मौका दिया है। यहां से बीजेपी के प्रमोद नैनवाल को जीत नसीब हुई है। चुनाव जीतने के बाद प्रमोद नैनवाल रानीखेत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रमोद नैनवाल ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए वादा किया कि जो भी काम अधूरे हैं उसे वो प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। चाहे तारखेत विकास खंड थी या विकास खंड थी या रानखेत नगर थी, चाहे दगे मान न्याय नहीं होने दू और जो रुकी हुई विकास कार्यक्रम पूरी क्षेत्र जनता से तुमको तू प्यार दी। प्रमोद नैनवाल ने अपनी जीत के साथ ही उन्होंने रानीखेत का मिथक भी तोड़ दिया है। बता दें कि रानीखेत का एक मिथक था कि रानीखेत में जिस पार्टी का विधायक जीता है उसकी सरकार नहीं बनती थी, लेकिन इस बार रानीखेत के विधायक भी बीजेपी का है और सरकार भी बीजेपी की बनने जा रही है। बता दें कि इस सीट पर अब तक 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियों को जनता ने बराबर मौका दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस के विधायक को जीत मिली थी, मगर इस बार जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसी पार्टी से विधायक भी जनता ने चुना हुआ है। चुनाव जीतने के बाद प्रमोद नैनवाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने विश्वास उन पर जताया है। उन्होंने वादा किया है कि वो क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने रानीखेत को जिला बनाने की मांग को भी सरकार के सामने उठाने की बात कही। मैं अपने क्षेत्र की जनता ने हमारे विषय हमारी माताओं बहनों नौजवानों और बुजुर्गों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, ये वादा करता हूँ कि मैं क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, जन भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा और पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा में लगा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्य और छोटे जिलों के पक्षधर है। मैं छोटे जिलों के पक्षधर मैं भी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि छोटे जिले बने और जिससे कि विकास का विकेंद्रीकरण हो, गाँव स्तर पर विकास पहुँचे। काफी समय से रानीखेत को जिला बनाने की मांग चल रही है, मगर अभी तक उनकी मांग अधूरी है। दरअसल अब तक जो भी विधायक इस क्षेत्र में बने थे उनकी सरकार नहीं बनी थी, मगर इस बार संयोग भी अच्छा है। विधायक भी बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की बन रही है। अब देखना होगा कि जिस भरोसे के साथ यहां के जनता ने प्रमोद नैनवाल विधायक बनाया है, क्या वो भरोसा प्रमोद नैनवाल निभा पाते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।